हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूं जो हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ के रखता है, जिसके कारण हड्डियां मजबूत और सुरक्षित हो जाती हैं। ये हमारे शरीर में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है। इसके अंदर गुड फैट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे दिल को हमेशा स्वस्थ रखने का काम करता है, आर्टरीज को क्लीन करता है। इस नुस्खे के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और लिगनेंट पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा कर रखते हैं। इसके अलावा अनिद्रा में या फिर ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखने के लिए भी ये नुस्खा बहुत फायदेमंद है। अगर इस नुस्खे के इतने सारे फायदे हैं, तो चलिए जान लेते हैं ये कौन सा है और इसे कैसे बनाना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द के कारण वो बहुत परेशान रहता है, कमर में दर्द रहता है, यानी कि हड्डियों के दर्द से वो इंसान बहुत परेशान है, तो दूध में ये सिर्फ एक चीज मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं रोजाना, तो आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। ये नुस्खा आपको बताने से पहले एक चीज बता दूं कि आखिर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या अर्थराइटिस की समस्या या गठिया वाई की समस्या या कमर दर्द की समस्या आखिर किन लोगों में ज्यादा होती है। दोस्तों, जिन लोगों के जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे लचीलापन कहा जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसके कारण उनके जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना ये समस्या हो जाती है। लेकिन ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जोड़ों के अंदर लचीलापन खत्म क्यों होता है। दोस्तों, जिन लोगों की बॉडी में टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं हो पाते, या फिर शरीर के अंदर कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके जोड़ों का लचीलापन खत्म हो जाता है और जोड़ों के अंदर, घुटनों के अंदर दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। दोस्तों, ये न केवल आपके जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, लचक लाएगा और आपके जोड़ों को मजबूती देगा, बल्कि इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर आप इस ड्रिंक का सेवन रेगुलर 1 महीना करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको हार्ट की समस्या है, यानी दिल से संबंधित कोई समस्या है, तो उनको भी इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड शुगर बॉडी में बढ़ता है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर किसी इंसान के शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसे LDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और वो इंसान इसे कम करना चाहता है, इसके दूसरी तरफ वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहता है, तो भी उसको इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रही है, नसों में ब्लॉकेज के कारण आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, यानी चक्कर आते हैं जब आप एकदम से खड़े होते हैं, यानी कि आपका नर्व सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा चुका है, नसों से संबंधित कोई समस्या हो चुकी है, तब भी आपको इसका सेवन जरूर करना है। अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आप खून को साफ और पतला करना चाहते हैं, तब भी ये नुस्खा बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, खाया पिया अच्छे से हजम हो जाए, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आईसाइट को इम्प्रूव करता है, यानी कि आंखों की वीकनेस को भी ये दूर करता है, और जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द को तो ये दूर कर ही देता है। तो चलिए जान लेते हैं ये कौन सी चीज है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपने क्या लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, और जो ये पाउडर है वो दोस्तों अलसी का बना हुआ है। आपने क्या करना है, नॉर्मल अलसी लेनी है और इसका आप पाउडर बना लीजिए। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है वो हमारे दिल को तंदुरुस्त रखता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों और हड्डियों में लचीलापन लाने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप रोजाना ऐसा ही ड्रिंक बनाकर, यानी कि 1 गिलास गुनगुने दूध के अंदर 1 चम्मच पाउडर बनाई हुई अलसी का मिक्स करके लेते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, मिठास के लिए आप इसके अंदर मिश्री मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, यानी मधुमेह है, तो आपने मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, इस अलसी की तासीर गर्म होती है और अब गर्मियां चल रही हैं, तो आप क्या करिए, दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच सौंफ मुंह में डालिए और चबा लीजिए, ताकि उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं दिखे। इसके दूसरी तरफ अगर आपके शरीर की प्रकृति गर्म है, यानी अगर आपके शरीर की जो प्रकृति है वो पित्त वाली है, तो दोस्तों आपने सीधा अलसी का इस्तेमाल दूध में डालकर नहीं करना, बल्कि इस अलसी को आपने 3 घंटे पहले पानी में भिगो देना है, तब इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसका पेस्ट बनाकर दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा उनके लिए भी काफी अच्छा है जिनको थायराइड की समस्या है। बस उन लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना
करना है कि वो जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रीम उतरा हुआ हो, यानी कि मलाई आपने उतार देनी है, प्लेन फैटलेस दूध का इस्तेमाल आपने करना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके कि साधारण सी अलसी यानी फ्लैक्स सीड से हम इतने हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।